टाइटल है द लास्ट लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है लास्ट लेशन, इट इज रिटन बाय अल्फांसे डॉडेट। He is a French novelist and short story writer. The last lesson, ये जो chapter है, इस chapter की जो background है वो उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच वार चल रहा होता है, और उस वार में फ्रांस हार जाता है, प्रशिया जो है उस वार में फ्रांस को हरा देता है, और उसके बाद बर्लिन से प्रशिया में जर्मनी देश आता है, बर्लिन से ये मैसेज आता है फ्रांस के जो ये दो शहर हैं एल्सेस और लॉरेन, जिन पे फ्रांस जिनको हार जाता है, जर्मनी का प्रशिया का कब्जा हो जाता है, वहाँ से ये ऑर्डर्स आते हैं कि इन दोनों शहरों में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उस लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस शॉर्ट स्टोरी में ये जब कहानी शुरू होती है, इसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, जो कि तेजी से भागते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है, और जब वो अपने स्कूल की तरफ रास्ते जा रहा है, ऑन द वे ही नोटिस दैट देयर इज अ बुलेटिन बोर्ड एंड देयर इज समथिंग रिटन एंड द पीपल आर गैदर्ड ओवर देयर। रास्ते में जब वो जाता है स्कूल की तरफ भागते हुए, तो वो देखता है कि बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और लोगों ने काफ़ी भीड़ लगा रखी है, फिर भी वो वहाँ रुकता नहीं है। क्यों? बिकॉज ही रियलाइज दैट एवरी बैड न्यूज आर डिस्प्लेज ओवर दैट बुलेटिन बोर्ड, सो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग मैसेज इज रिटन ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड। इसलिए वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि जब भी कोई उसके फ्रांस के बारे में जब भी कोई बैड न्यूज आती है तो वो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखी गई रहती है, इसलिए वो रुकता नहीं है और वो स्कूल की तरफ भागता हुआ जाता है, जबकि उसको पता है कि ऑलरेडी लास्ट डे उसके टीचर ने उसको जो होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए, उसने नहीं किया हुआ है, तो उसकी भी उसको घबराहट रहती है और वो तेजी से भागता हुआ स्कूल के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो उसको कुछ अनफैमिलियर सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वो पहले वैसा कभी नोटिस नहीं करता। जब भी वो स्कूल के अंदर एंटर होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड होती थी, नॉइज़ होता था, बच्चे इधर उधर भागते रहते थे, लेकिन आज जब जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि देयर इज़ वेरी कीप एंड क्वाइट जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग। वहाँ पे स्कूल के अंदर सारी चीज़ें बहुत शांत है, जैसे कि संडे के दिन सुबह मॉर्निंग में होता है। अब संडे क्यों यूज़ किया यहाँ पे? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि संडे के दिन स्कूल बंद होता है, इसलिए वहाँ पे पूरी तरीके से शांति रहती है। आज उसको ऐसी ही फीलिंग हो रही है, डेली की तरह जब वह आज स्कूल के अंदर पहुँचता है वो देखता है कि बर्थडे की तरह आज उतना हसल बसल नहीं है, बच्चे इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, स्कूल के अंदर बहुत शांति है, जो कि उसको काफ़ी अनफेमिलियर फील होता है, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। इसलिए उसको ये लगता है कि आज जैसे मैं क्लास के पास पहुंचूंगा सब लोग शांत हैं, क्लास के अंदर भी सब लोग शांत हैं, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा है, शोरगुल नहीं है, तो आज मुझे सब लोग जरूर नोटिस करेंगे। जबकि ऐसा पहले क्या होता था कि जब वो डेली जब स्कूल आता था, अगर लेट होता था तो सारे लोग अपने में व्यस्त रहते थे, कोई इधर उधर भागता रहता था, बच्चे शोर करते थे, टीचर्स भी बिजी रहते थे, इसलिए उसको कोई नोटिस नहीं करता था। बट टुडे ही फील्स दैट ही वॉज नोटिस्ड बाय एवरीवन व्हेन ही विल एंटर इन द क्लास। ये सब सोचते हुए जब वो क्लास के अंदर जाता है
उसे डर रहता है कि मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे क्योंकि ही वॉज लेट, बट ही वॉज एस्टोनिस्ट दैट मिस्टर हैमल वेलकम्स हिम, और मिस्टर हैमल को देखकर उसको बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि मिस्टर हैमल जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे वो उस दिन उसको डांटते नहीं हैं, उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड्स आओ, आज हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे लेकिन तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है। और वो क्लास के अंदर जाता है, लास्ट वाली बेंच पे जाके चुपके से बैठ जाता है, और जब सब लोग उसको नोटिस करना बंद कर देते हैं तो फिर वो ध्यान से देखता है, तो देखता है कि लास्ट बेंच पे विलेजर्स आर सिटिंग ओवर, गांव के लोग भी वहां बैठे हुए हैं। अब उसको और भी आश्चर्यजनक लगता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, और अचानक से उसकी जब नजर मिस्टर हैमल की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि मिस्टर हैमल इज वेल ड्रेस्ड, इज वेयरिंग ब्लू कोट सॉरी ग्रीन कोट एंड अ वेल वराप हैट। और जब वो देखता है कि आज मिस्टर हैमल जो है बहुत ही अच्छी पोशाक में आए हुए हैं, जो कि अमूमन होता नहीं था, वो किसी पार्टी में या कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह होता था स्कूल का या कोई फंक्शन होता था तब वो ऐसे पहन के आते थे, लेकिन आज वो इतना अच्छा वेल ड्रेस होकर के आए हैं, ये भी उसको अनफैमिलियर लगता है। अब वो धीरे धीरे सोचना शुरू करता है, जब वो स्कूल की तरह बाहर आता तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर थे, और फिर स्कूल के अंदर आया तो देखा कि सब कुछ शांत है, जैसा कि डेली होता था वैसा कुछ भी नहीं है। और आज अभी क्लास के अंदर मिस्टर हैमल जो है वो वेल ड्रेस्ड है, और स्कूल के अंदर जब बच्चों की पढ़ने की बात होती है लेकिन यहाँ पे तो वेलेजर्स भी आके बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को जब जोड़ के देखता है तो उसको ये लगता है कि देयर इज समथिंग अनफैमिलियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा जरूर है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अचानक जब मिस्टर हैमल स्टार्ट करते हैं बोलना शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं कि टुडे इज हिज लास्ट डे एंड फ्रॉम टुमारो ही विल नॉट टीच फ्रेंच, बिकॉज फ्रॉम टुमारो इन द स्कूल द जर्मन लैंग्वेज विल बी टीच। और ये जब बात सुनता है फ्रेंच तो अचानक से उसको बहुत बड़ा शौक लगता है कि ये क्या हो गया। उस दिन उसको पता चलता है कि कल से मिस्टर हैमल जो है वो क्लास नहीं लेंगे और वो स्कूल से कहीं और जा रहे हैं। अब इन दोनों शहरों में या फ्रांस के इन दोनों शहरों में जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई। आज जैसे लगता है उसके ऊपर बिजली सी गिर गई, क्यों? क्योंकि जो उसकी अपनी भाषा है वो उससे छिन जा रही है, उसकी जगह पे एक ऐसी भाषा पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंच तो पढ़ाई में उसका मन लगना नहीं था, जो भी होमवर्क दिया जाता था वो पूरा नहीं करता था, सो बट टुडे ही रियलाइज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ओन नेटिव लैंग्वेज। जो किताबें इसके पहले जब वो बैग में लेकर के आता था तो उसको बोझ लगती थी, लेकिन आज वो किताबें जो है वो उसको उसकी अपनी पुरानी फ्रेंड्स की तरह लग रही थी जिनको कि वो छोड़ना नहीं चाहता। बट ड्यू द वॉर इन विच द फ्रेंच वॉज फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी, सो द जर्मन हैज फोर्स्ड टू स्पीक और टू रीड द जर्मन लैंग्वेज। जब भी आप जाते हैं, जब भी किसी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अगर अधिकार कर लेता है तो वहाँ की लैंग्वेज वो लोग नहीं जानते, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज उस देश के लोगों के ऊपर थोपते हैं ताकि उनका काम आसानी से चल सके। तो आज जो है फ्रेंच को ये एहसास होता है कि अपनी भाषा का क्या महत्व होता है, इसलिए वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद मिस्टर हैमल जो है वो सारे स्टूडेंट्स को और वो विलेजर्स को नोटबुक्स देते हैं राइटिंग करने के लिए, सभी लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, लेकिन फ्रेंच जो है वो कुछ लिख नहीं पाता है। उसको शौक सा लग जाता है कि वो जिस लैंग्वेज को आज तक इतनी
इतना महत्व नहीं दे रहा था, आज वो लैंग्वेज उससे छूटने वाली है जो कि उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है। और सभी लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो छत के ऊपर बैठे हुए जो कबूतर की आवाज़ है, जो कबूतर की आवाज़ आती है, उन आवाज़ को धीरे धीरे सुनता है और उसको ये एहसास होता है कि काश इन पक्षियों की तरह या इन जानवरों की तरह ही हम अपनी भी भाषा, जैसे वो अपनी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे ही हमारी भी स्वतंत्रता हो कि हम अपनी भाषा जहाँ चाहे वहाँ बोल सकें। यहाँ पे जो पिजन्स यूज किया गया है, राइटर ने जो ऑथर ने जो पिजन्स को यूज किया गया, पिजन्स जो है वो फ्रीडम का सिंबल है, यानी वो शो कर रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। दे आर फ्री टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट थ्रू दोज पिजन्स फ्रेंड्स को ये रियलाइज होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी भाषा का क्या महत्व है। और अचानक से धीरे से आवाज, वो जो हैमल की सिस्टर है उनके ट्रंक की खींचने की आवाज़ आती है, कपड़े वो ट्रंक्स में पैक कर रही हैं और बाहर दरवाजे के गाड़ी खड़ी है। मिस्टर हैमल इज सो सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इज इन ग्रेव, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में है और वो उनके लिए उनकी भाषा का क्या इम्पोर्टेंस है। 40 साल से जिस भाषा को वो पढ़ा रहे थे, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे, उस स्कूल को छोड़ने का, उस भाषा को छोड़ने का उनको कितना दर्द है कि वो कुछ बोल नहीं पाते, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जो उनका दर्द है वो उस लास्ट में उस बोर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं, येन ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी उस भाषा के लिए उनकी कितनी रिस्पेक्ट, वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं उस भाषा की जिसको वो पढ़ा रहे थे, जो उनकी ओन लैंग्वेज है, उस भाषा का कितना सम्मान करते हैं, ये उन्होंने इसको लिख करके प्रदर्शित किया है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो, फ्रांस की जो भाषा है उसकी जय हो, उसकी उम्र लंबी हो। सो इस स्टोरी में इतनी ही चीज़ें हैं कहानी, और उसके बाद से लगभग 12 बजे की घंटी बज जाती है, स्कूल ओवर है, होने की घंटी बजती है, सभी लोग धीरे धीरे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। तो इस कहानी में अल्फांसो डॉटेट जो है वो एक छोटे से बच्चे के माध्यम से ये शो करना चाहते हैं कि जो बच्चा कभी भी अपनी भाषा को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन जब उसको पता चलता है कि आज के बाद से उसको वो अपनी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको इस बात का एहसास होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी भाषा का क्या महत्व है। तो लास्ट लेसन जो टाइटल है, इट इज यूज फॉर द मिस्टर हैमल बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन फॉर हिम। फ्रॉम टुमारो ही विल नॉट टीच द फ्रेंच लैंग्वेज इन दैट स्कूल। And the last lesson, the chapter's title, it is used for also French, because he never give respect to his own language. But on that day, when he knows that it is the last lesson for him, from tomorrow the French language will not teach in that school, he realized that what is the importance of own language. अब यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से जो चीजें निकल के आती हैं, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की थीम क्या है। तो पहली थीम तो यही है कि वार का किसी भी देश के लोगों के ऊपर, वहां की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। एंड सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी जो अपनी भाषा है उसका क्या महत्व है। एंड फ्रॉम दिस स्टोरी द अल्फांसो डॉटेट शोज दैट व्हाट इज द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, द लैंग्वेज इज द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी फॉर एनी पर्सन। किसी भी देश में आप जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, वहाँ पे आपकी पहचान, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी आपकी भाषा होती है। किसी भी व्यक्ति को आप गुलाम बना सकते हो, लेकिन उसकी भाषा को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज ही जो है वो स्वतंत्रता की होती है, चाबी होती है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अनफेमिलियर थिंग वाज नोटिस्ड बाय द फ्रेंड्स व्हेन ही एंटर्ड इन द स्कूल। तो क्या अनफेमिलियर चीजें नोटिस की गई थी फ्रेंड्स के द्वारा जब वो स्कूल के अंदर एंटर हुआ था। तो पहली चीज़,
तो स्कूल वॉज वेरी कीप एंड क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग. सेकेंड थिंग, मिस्टर हमिल वॉज वेल ड्रेस्ड. एंड थर्ड वन थिंग, द विलेजर्स वे आर ऑल्सो सेटिंग एट द लास्ट बेंच. तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच वॉज अनफेमिलियर फॉर फ्रेंड्स वेन ही वॉज एंटर्ड ऑन दैट डे इन द स्कूल. एंड द सेकेंड थिंग, वॉट वॉज द लास्ट सेंटेंस वॉज रिटन बाय मिस्टर हैमल एंड वॉट वॉज द एक्सप्लेनिंग. द लास्ट सेंटेंस विच वॉज रिटन बाय हैमल दैट वॉज इन फ्रांस एंड इट्स मीनिंग वॉज लॉन्ग लिव फ्रांस. एंड समथिंग मोर फॉर टूडे, दैट्स फॉर टूडे, दैट्स फॉर इट. And from tomorrow, on tomorrow we will explain the next chapter. Okay, thanks.